हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज बात करेंगे प्रेगनेंसी का पांचवा महीना के बारे में। जैसे मेरा अभी फिफ्थ मंथ चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है। जैसे 24th अगस्त को जो है मेरा फिफ्थ महीना कम्प्लीट होकर सिक्स्थ महीना शुरू होगा। तो मैं आपको पांचवा महीना में क्या क्या होता है ये आप लोगों को बताना चाहूँगी। जैसे बहुत सारा चेंजेस होता है बॉडी में, तो माँ का बॉडी में तो बहुत सारा चेंजेस होता ही है, अंदर में बेबी का भी बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। पहले बेबी का बात कर लेते हैं। जैसे बेबी का बॉडी के हर पार्ट बन जाता है, कैसे पता चलता है? जब आप एनोमली स्कैन करते हैं उसमें सब कुछ पता चलता है। बेबी का फिंगर, लिप्स, आई, सब कुछ पता चलता है, सब कुछ बन जाता है। बहुत टाइम तो ऐसा भी देखा गया है जैसे फिंगर चूसते हैं ना छोटा बेबी, तो वो काम भी वो शुरू कर देता है पांचवा महीना में, अंदर में ही ये सब शुरू हो जाता है उसका। तो ये होता है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आपको मूवमेंट फील होता है पांचवा महीना में ही मैक्सिमम। अगर आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो चार महीना कंप्लीट होकर पांचवा महीना एंड तक आपको मूवमेंट जो है फील हो जाएगा, बेबी का मूवमेंट जो है आपको फील होने लगता है। और एक चीज़ होता है, आपका बेबी बम जो है वो भी निकलने लगता है। चार महीने में थोड़ा बहुत लगता है, बट पांचवा महीना में आपको पूरा क्लियरली पता चल जाता है। और कई बार जो है बेबी अंदर में हाथ पैर चलाता है, ये भी आपको फील होता है, किक फील होता है। और बेबी जो है फिफ्थ मंथ में आपका सारी बात सुन पाता है। तो अगर आप चाहें, ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है बेबी से आपका बॉन्ड बनाने के लिए। आप चाहे तो म्यूजिक सुना सकते हैं, बेबी से आप बात भी कर सकते हैं। तो ये सब जो है पांचवा महीना में शुरू हो जाता है। आप बहुत टाइम मार्क करेंगे कि जब भी आपका मूवमेंट फील नहीं होगा, अगर आप म्यूजिक लगा के बेबी को सुनाते हैं तो कुछ ना कुछ हरकत होता है, आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट जो है फील ज़रूर होगा। अगर आप बहुत सारा जहाँ पर नॉइज़ हो रहा है वो एरिया को चले जाते हैं तो आपको उस टाइम किक पता चलेगा, बेबी का मूवमेंट फील होगा। तो बेबी भी ये सब फील कर पाता है। अगर आप अंधेरे में जाते हैं फिर भी वो फील कर पाता है। तो ये सब जो चीज़ है पांचवें महीने में शुरू हो जाता है। तो माँ का बॉडी में और क्या चेंजेस होता है? एसिडिटी तो लगा रहता है, ये तो स्टार्टिंग से होता है। कंस्टिपेशन का इशू भी रहता है, और जो है आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम तो रहता ही है, ये कंटिन्यू रहता है। और आपको कंस्टिपेशन का इशू भी रहता है, और किसी किसी को वॉमिटिंग का इशू रहता है, और आपका पैर में जो है स्वेलिंग भी स्टार्ट हो जाता है। और ये सब पांचवे महीने में होता है। और आपको जो है इचिंग का प्रॉब्लम भी शुरू होता है, आपका स्किन जो है ज़्यादा ड्राई होने के वजह से आपका बॉडी में इचिंग होने लगता है। इससे रिलीफ होने के लिए आप ऑयल भी मसाज कर सकते हैं। मुझे इचिंग हो रहा है और मैं ऑयल ही मसाज कर रही हूँ, इसलिए आप लोग को बता रही हूँ। तो ये सारा जो है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको ये हो, अगर किसी को नहीं भी हो रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये सिम्टम्स है देन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि आपको चिंता करने वाली बात नहीं है कि मुझे ये सिम्टम्स क्यों हो रहा है, ये नॉर्मल होता है। तो गाइस ऐसे बहुत सारा चेंजेस जो है माँ का बॉडी में होता है, और बेबी का जो है बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाता है, बहुत सारा चेंजेस आता है। तो गाइस ये जो था मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैं बता आपको जो मैं एक्सपीरियंस की हूँ पांचवें महीना में। मेरा पांचवें महीना एंड होने जा रहा है इसीलिए आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट स्कैन होता है जो एनोमली स्कैन, इसको आपको ज़रूर करवाना चाहिए एनोमली स्कैन। इसमें बेबी का सब कुछ पता चलता है। अगर किसी का कुछ ज़्यादा इशू हो, जैसे मेरा बेबी का हार्ट के होल के बारे में पता चला, ये कुछ मेजर इशू नहीं है। अगर कुछ मेजर इशू होता, किसी का पता चलता है, देन डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए बोलते हैं। अगर ऐसा नॉर्मल थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम इशू निकलता है जो बाद में जाके किसी भी माध्यम से रिकवरी किया जा सकता है, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली आगे बढ़ सकते हैं प्रेगनेंसी के साथ। तो गाइज अगर आज का ब्लॉग्स आप लोग को हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अनदर न्यू ब्लॉग्स में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।